जिंदा है इशिता और जिंदा है रमन और इशिता की मोहब्बतें भी। रमन और इशिता की मोहब्बतें जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगी। बाकी सब तो नाटक है, महज एक छलावा जो निधि रमन के साथ और रमन निधि के साथ कर रहे हैं। सब कुछ खोना, लेकिन क्यों मैं नहीं होता मुझे नाटक नाटक। फिलहाल यह है मोहब्बतें सीरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि इशिता रमन भल्ला जिंदा है, जो कि सास बहू और साजिश ने सबसे पहले आपको बता दिया था, और उनके बीच का प्यार यूं ही बरकरार है। और रमन के बीच का कुछ प्लान था ये, इनफैक्ट रमन ने कुछ प्लान किया था जो कि अब रिवील हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ और इशिता अचानक कैसे जिंदा है और ये कहाँ है फिलहाल, ये सब मैं चाहूंगी कि आप शो देखें तो आप लोग को पता लगेगा, बट देयर इज अ लॉट टू बी रिवील्ड। लेकिन उलझी है कहानी रमन के अतीत और रिश्तों के कश्मकश में। टूटे हुए रमन ने इशिता के दर पे दी है दस्तक। आंखों में बेबसी के आंसू हैं, दिल में जज्बातों का समंदर है। क्या कहें, कैसे कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा रमन के दिल की बात। निधि के साथ मोहब्बत का नाटक करते करते रमन का तो परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। जिन भाई बहन का मैं हीरो हुआ करता था, आज मुझे तेरे देखते तक नहीं। एक बेटी ने बाप को बेगाना बना दिया। कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी से नफरत करे। रूही ने रमन से मुंह फेर लिया। कौन सा बाप चाहेगा कि बेटी उसकी शक्ल ना देखे। माँ बाप और बेटे के बीच आ चुकी है दूरियां। कहते हैं कि ऐसी औरत होने से अच्छा तो भी औरत होना अच्छा। भल्ला परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है और रमन अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इशिता को बचाने के लिए। अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इस नाटक को अंजाम देने के लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं खो सकता था। रो रहा है रमन और इशिता ने रमन के आंसुओं को हमेशा के लिए सहेज कर रख लिया है। तरह से टूट चुके हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी पत्नी जहां पूरी दुनिया के सामने मरी हुई थी, वहीं अब पूरा परिवार उन्हें ठुकरा रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, उन्हें पूरा परिवार ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से। निधि के साथ रमन ने प्यार, संगीत और शादी का नाटक इसलिए किया है ताकि वो निधि से वो चिप हासिल कर सके जिससे कि इशिता की बेगुनाही साबित हो सकती है। और निधि ने जानबूझकर इशिता का केस हार कर रमन से बरसों पुराना अपना बदला चुकाया। जी हाँ, मिसेज भल्ला 12 साल पहले रमन से बिना पूछे उसका रिश्ता लेकर निधि के पास गई थी और रमन उस वक्त शगुन के प्यार में पागल था। शगुन की खूबसूरती, शगुन शगुन शगुन, शगुन से शादी नहीं होती तो पागल हो जाता। रमन ने निधि से शादी से इनकार कर दिया और शगुन से शादी की और इस सदमे में निधि के पिता ने आत्महत्या कर ली। जब रिश्ता टूट गया, सदमे की वजह से उसके पापा ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त निधि आज की तरह ग्लैमरस नहीं थी और 12 साल पुराना अतीत रमन और इशिता की जिंदगी में राहु केतु की तरह पीछा कर रहा है। कहां भल्ला परिवार में ऐशोआराम की जिंदगी जीने वाली इशिता अब एक छोटे से रूम में लालटेन और लकड़ी के चूल्हे के साथ दिन गुजार रही है। कसम से सब कुछ बदल रहा है यहाँ, बस रमन और इशिता की मोहब्बतें कायम हैं। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।